हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके ब्लॉगर संजू पर। तो साथियों आइए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। करीब मॉर्निंग का 10 बजा हुआ है। मेरे साथ में मेरी बिटिया है और मेरी वाइफ है मेरे साथ में। आज हम निकल रहे हैं पाखू माँ भगवती मैया के दरबार में और वहाँ पर आज है एक पूजा का कार्यक्रम और जो मेरी बिटिया बताएगी किसकी पूजा है। तो बेटा बताओ किसकी पूजा है आज वहाँ पे? नानी लोगों की पूजा है मेरी बिटिया की। और तो हम वहाँ पे पूजा के प्रोग्राम में जा रहे हैं और हम अभी हो चुके हैं लेट। और करीब कितना बज चुका है अभी? 10 बज चुका है और अभी हम लेट हो चुके हैं। लेट क्यों है ये बताओ बेटा जरा? लेट क्योंकि मेरा भैया है ना घर में, तो ये मेरी बिटिया का छोटा भैया है और तभी हम लेट हो चुके हैं। और मेरी वाइफ भी कुछ कहना चाहेगी, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे और क्या प्रोग्राम है आज बताओ जरा हमारे सभी दर्शकों। आज हम माँ भगवती माता के दर्शन करने जा रहे हैं और हम लेट हो चुके हैं। दिन का 10 बज चुका है। छोटा भाई बच्चा है घर में और हम मेरे मायके वालों की पूजा है, इसलिए हम दर्शन भी करने जा रहे हैं। पूजा में तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर है मेरी बाइक अभी खड़ी और मेरी बिटिया देखो बाइक के बिल्कुल साथ में। और आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ से कोटगाड़ी माता के दरबार तक मुझे क्या क्या दिखाने को मिलता है, तो मैं सब कुछ इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और देख सकते हैं अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर जंगलों के बीचों बीच और देख सकते हैं यहाँ पर चीड़ का घना जंगल है। और ये जंगल देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है उत्तराखंड देवभूमि का। और ये जंगल यहाँ पर थल क्षेत्र से थोड़ा सा आगे अभी हम पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे माँ कोटगाड़ी मैया के दरबार में। तो और ये सड़क मुख्य सड़क देख सकते हैं, ये सड़क यहाँ से हल्द्वानी के लिए भी ये सड़क जाती है और थोड़ा सा आगे से माँ कोटगाड़ी के दरबार के लिए यह सड़क जाएगी। तो देख सकते हैं, प्लीज़ साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पाखू वाली सड़क पर। देख सकते हैं ये जो सड़क आपको दिख रही है, यह सड़क मंदिर के लिए भी यही सड़क जाएगी और पाखू मार्केट से होते हुए हम आगे को निकलेंगे। तो आगे का पूरा लोकेशन आपको दिखाते हुए हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ साथियों वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथियों थोड़ा सा वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि मैं साथ साथ में ड्राइव भी कर रहा हूँ और वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। तो जैसा भी आपको दिखे तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं ड्राइव भी साथ में कर रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ का लोकेशन दिख रहा है और हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। देख सकते हैं ये सड़क सीधे मंदिर तक ही यह सड़क जाएगी और आज मैं आप सभी को माता रानी का डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली फूलों की तुझको बुलाया। देख सकते हैं सुंदर लोकेशन आप सबको दिख रहा है। कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाएंगे मंदिर। मंदिर का ब्लॉग मैं आप सभी को दिखाऊंगा। मंदिर पहुंचने से पहले वहाँ का लोकेशन किस प्रकार से है, सारे साथी जो हमारे बाहर रहते हैं उन लोगों ने मंदिर नहीं देखा होगा, तो मैं सबको दिखाने का प्रयास करूँगा। बने रहिए वीडियो में और देख सकते हैं हम थोड़ा सा आगे पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ड्राइव भी साथ में रहा हूँ।
पड़ रहा है, तो अगर वीडियो साफ या क्लियर कहीं पे तितली आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और लेकिन आपको ब्लॉग में पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या दिखता है, प्लीज़ बने रहिए साथियों। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर हमें दिख रहा है एक बहुत सुंदर लोकेशन। देखिए यहाँ से ठीक सामने की तरफ, मेरे ठीक सामने, यहाँ से ठीक सामने की तरफ देखिए रोपाई चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बैल और रोपाई और बहुत सुंदर खेत उत्तराखंड पहाड़ देवभूमि के। और कुछ इस प्रकार से देखिए, थोड़ा दूर से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखिए रोपाई वहाँ पर लगाई जा रही है किसानों के द्वारा, क्योंकि पहाड़ और उत्तराखंड का किसान बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करता है पहाड़ों में। देख सकते हैं रोपाई चल रही है और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ का सुंदर लोकेशन। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं चीड़ का घना जंगल भी है साथ में, और यह है देख सकते हैं सड़क, और इस सड़क से होते हुए हम आगे की तरफ को निकलेंगे। चीड़ के घने जंगलों के बीचों बीच हम निकल रहे हैं आगे की तरफ को, और थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे मंदिर में। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा पाखू का जो मार्केट है, वो मार्केट भी पूरा इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हुए आप मंदिर। तो देख सकते हैं साथियों, अब यहाँ से पाखू की दूरी करीब 4 किलोमीटर बची हुई है। देख सकते हैं मेरे ठीक सामने की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में, पाखू 4 किलोमीटर, सगोड़ी 9 किलोमीटर और बीणी खान 1 किलोमीटर यहाँ से दूरी है यहाँ की। और हम पाखू से करीब 4 किलोमीटर पीछे अभी हैं और थोड़ी ही देर में हम पाखू पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं मुख्य सड़क, और बने रहिए। देख सकते हैं साथियों यहाँ पर एक कॉलेज की बिल्डिंग मेरे को दिख रही है और बहुत ही सुंदर। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बैल गाय सब यहाँ पर अभी चल रहे हैं। सामने की तरफ घना जंगल है, बोल रही है मेरी बिटिया। क्या कहना चाह, क्या कह रहे हो बेटा? देखिए बेटा बोल रहे हैं, हमारी बिटिया बोल रही है सामने की तरफ जंगल के बीचों बीच क्या है सड़क ना। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ से ठीक सामने की तरफ देखिए मंदिर का गेट हमको यहाँ से दिख रहा है। मैं अभी हूँ इस सड़क पर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इस सड़क से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर का लोकेशन। देखिए ये सड़क है, अभी हम पार साइड को हैं, मतलब मंदिर से पार हैं हम, और अभी हम वहाँ से घूम के पाखू मार्केट से होते हुए फिर जाएंगे इस जगह पर। देखिए ये देख सकते हैं आप, इस गांव में हम जाएंगे और मंदिर का गेट ही गेट आपको दिख रहा होगा क्योंकि दूर से वीडियो शूट हो रही है तो मंदिर का गेट दिख रहा होगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से ठीक सामने की तरफ, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मंदिर का गेट, देखिए ये, और इस मंदिर पे हमने जाना है। ये है माँ भगवती मैया का भव्य मंदिर, तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ से पाखू का मार्केट स्टार्ट हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं पाखू के मार्केट में। और देखिए अब मैं पूरा मार्केट का आपको लोकेशन दिखाते हुए आगे को निकलूँगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पाखू के मार्केट में, और यह है पाखू का मार्केट, और इस मार्केट से होते हुए हम अब आगे की ओर निकलेंगे। तो देख सकते हैं साथियों कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम मंदिर के प्रथम द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहां से हम आगे की तरफ को निकलेंगे। और यह सड़क जाती है मंदिर के लिए, और यहाँ से एक सड़क जाती है देखिए हनुमान मंदिर, और यहाँ से वो टच होती है चौकुड़ी के लिए। देख सकते हैं आगे की तरफ जो सड़क जा रही है, जहाँ से जो ये सड़क जाएगी ये कुटगाड़ी माँ के दरबार की तरफ को ये सड़क जाएगी। देख सकते हैं ये प्रथम गेट। तो साथियों प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और देख सकते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ को मंदिर के लिए निकलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर वाली सड़क पर, देख सकते हैं यहाँ से आगे की तरफ को निकल रहे हैं, और अब मैं पूरा दिखाऊँगा यहाँ से मंदिर तक का पूरा लोकेशन। तो प्लीज़ देख सकते हैं यहाँ से इधर किनारे का लोकेशन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देख सकते हैं। और इस सड़क से हमको अब बढ़ना है आगे की तरफ को, यह है सड़क, और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को। देख सकते हैं इस प्रकार
प्रकार से यहाँ का लोकेशन दिख रहा है। ये देखिए, ये जो सड़क जाएगी तो ये मंदिर तक ही यह सड़क जाएगी। देखिए माँ कोटराड़ी मैया को न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से और विदेशों से भी लोग पूजने के लिए माँ मैया को पूजने के लिए आते हैं। वहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। देख सकते हैं आज तो साथियों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दुकानें भी हैं। तो देख सकते हैं साथियों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पर और ये है यहाँ का मार्केट। और सामने पे देखिए मेरी बिटिया और मेरी वाइफ और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मंदिर के नीचे सड़क के किनारे का लोकेशन दिख रहा है। तो देख सकते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ को और यहाँ से आगे देखिए ये मंदिर का गेट और मंदिर के गेट से होते हुए हम आगे को निकलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर है मंदिर का गेट और यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे और पूरा यहाँ से मंदिर का लोकेशन दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए। देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं अभी मंदिर के दर्शन करके और हम यहाँ से निकल रहे हैं अंदर की तरफ को। तो साथियों यह वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है तो मैं दूसरे भाग में आपको पूरा मंदिर का लोकेशन और मंदिर के चारों तरफ का सुंदर और बेहतरीन दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।